हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन मौजूद हैं। सुनील जी, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को कह दिया गया है प्रत्याशी जो भी अभी तक टेंटेटिव हैं कि तैयारियों में जुट जाइए, किस तरह से तैयारी में जुट रहे हैं आप? देखिए, 10 विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से सबसे मिल करके लक्ष्य दिया है कि 10 की 10 सीटें हम लोगों को जीतना है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरानी है। तो समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता और उन 10 विधानसभाओं में अलग से बड़े सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रभारी बना दिया है। बूथ स्तर पे काम हो रहा है, कहाँ हम जीते थे 2022 में जिन बूथों पर, वहाँ और ज़्यादा कैसे जीत सकते हैं, जिन बूथों पर हारे थे, क्यों हारे थे, उसकी समीक्षा होकर के किसको जोड़ना है। समाजवादी पार्टी सभी समाज के सभी लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी में है। लेकिन अभी तक जो अलायंस की पिक्चर है वो साफ नहीं हो पाई है कि कांग्रेस के साथ होना है या नहीं होना है, होगा तो कितनी सीट पर होगा। देखिए, गठबंधन में कोई समस्या नहीं, गठबंधन तो हमारा है ना, इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन को लेकर के पूरा देश ये बात जानता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब गठबंधन करते हैं तो बड़े मन से करते हैं और उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी का और हमारा पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन सामने से भी सेम आवाज़ आ रही है क्योंकि वो तो 5 सीट की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लेगा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व। मुझे लगता नहीं कि दोनों तरफ और किसी को बात करने की जरूरत है, क्योंकि कल फूलपुर में अजय राय गए, तमाम अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना, वहाँ कार्यकर्ता कांग्रेस के आपस में ही भिड़ गए, एक वीडियो वायरल हो गया। देखिए, गठबंधन का मतलब क्या होता है, समाजवादी पार्टी के भी सारे नेता बूथ पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग अपना अपना जो संगठन है उनका वो मजबूत कर रहे हैं, तभी तो ताकत बनती है, तभी तो दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सुरजेवाला है कांग्रेस नेता, वो कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह यूपी में ब्राह्मणों की हालात योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत ख़राब है। देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा हालात खराब हैं पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के, और ये भी सच है कि कई बार ऐसी घटनाओं में देखा जाता है कि ब्राह्मण समाज का भी अपमान सरकार जानबूझ करके करती है और सरकार में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो अपने समाज के चपरासी का भी काम करा पाने में सक्षम नहीं है। केवल बातों से कोई समाज का उद्धार नहीं होता है और किसी समाज का काम नहीं होता। इशारा किसकी तरफ? जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं, कोई भी अपने विभाग के चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई आ जाए अस्पताल में एडमिट नहीं करा सकता, कोई टीचर हो उसका ट्रांसफर नहीं करा सकता, कोई दूसरे विभाग का, कोई थाने में फंस जाए तो उसको छुड़वा नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ को कि भगवा पहन लेने से कोई भगवा पहनने लायक नहीं हो जाता। देखिए, इस बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है और कई बार सदन में और वैसे भी मीडिया के सामने इस बात को रखा है कि योगी की जो परिभाषा होती है वो योगी जी में कुछ भी नहीं दिखता है। कोई योगी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जाति धर्म नहीं मानता, ऊंच नीच नहीं मानता, छुआछूत नहीं मानता, और जो चीज़ें योगी नहीं मानता है वो सारे गुण योगी आदित्यनाथ में भरे पड़े हैं। तब इनको असली मानना है कि नकली मानना है ये लोकतंत्र में जनता तय करेगी। जब तक प्रधानमंत्री मोदी को हटा नहीं लेता मैं मरूंगा नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल मंच से कहा था, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। देखिए, खड़गे साहब ने जो बात कही है, कल हम लोगों ने देखा कि मंच पर उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हों और जल्द ही मोदी जी हट जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, भाजपा का सदस्यता अभियान लखनऊ में हो रहा है, नए से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान में भी भ्रष्टाचार कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि बीजेपी के मूल में भ्रष्टाचार है, वो गलत तरीके से सबको मेंबर बना रहे हैं और एक मतलब मारी मारा चल रहा है कि कौन कितने ज़्यादा बनाएगा, ओटीपी ले रहे हैं, दोस्तों से ले रहे हैं, जानने वालों से ले रहे हैं।
कि भाई ओटीपी दे दो और आप मेंबर बन गए। कुछ साथी तो ऐसे हैं जो ओटीपी दे रहे हैं और ये जान ही नहीं रहे कि वो मेंबर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है कि किसी दल को सदस्यता अभियान में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में करे। कोई सदस्य नहीं बनना चाहता, बताइए उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा भाजपा का सदस्य? पिछड़ा बन नहीं रहा, दलित बन नहीं रहा, मुसलमान बन नहीं रहा, बेरोजगार बन नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है ना, वो कह रहे हैं डबल इंजन, दोनों फेल हैं। दोनों इंजन हमारे नेता ने कई बार कहा कि बीच में टकरा रहे हैं और टकराने से नुकसान पीडीए का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, किसान का हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन, और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सदस्यता अभियान के नाम पर बीजेपी में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।